हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारे पास। एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है और उसके ऊपर रखा हुआ है एक हैवी स्फीयर। तो इस तरीके से जो सॉलिड तैयार हुआ है उसका सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा इस प्रॉब्लम को प्रैक्टिकली एनालाइज करते हैं कि एक्चुअली क्या चीज़ है। सपोज कर ले ये मेरे पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है तो नहीं है, लेकिन अज्यूम कर लेते हैं इसकी एल बी एच तीनों इक्वल है और ये एक क्यूब है। अगर ये अकेला है तो इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है? 6 × साइड स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहले मान लेते हैं अकेला मेरे पास क्या है, ये क्यूब है और कुछ भी नहीं है। तो टी एस ए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, जिसका फॉर्मूला है 6 × साइड स्क्वायर। तो साइड है 7, स्क्वायर तो दो बार कर देंगे, मल्टीप्लाई तो 294 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। ओके, ये आ गया टोटल अगर अकेला क्यूब होता, लेकिन अकेला क्यूब नहीं है। इसके ऊपर रखा है एक हेमिस्फीयर। चलिए मान लेते हैं दिस इज द हेमिस्फीयर, ये लो। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में एक लाइन स्किप है कि वो जो हेमिस्फीयर लिखा है वो इसकी जो साइड है वो डायमीटर के इक्वल है। मतलब ये जैसे मैंने एक ये हेमिस्फीयर है और इसको मैंने ऐसे रख दिया तो ये आपका पूरा कवर करेगा, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये हालांकि छोटा है लेकिन आपको अज्यूम क्या करना है एज पर क्वेश्चन, ये पूरे की पूरी साइड कवर कर रहा है। तो जब आपने ये हेमिस्फीयर रख दिया तो ये जो हेमिस्फीयर का ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये सारा एरिया ये भी इसके साथ जुड़ गया। तो मतलब हम लोग क्या करेंगे, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर यहाँ पर ऐड करेंगे। सी एस ए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो वाला पोर्शन है अगर इसको भी कवर कर देते फिर तो ये भी कैलकुलेट होता, लेकिन ये तो नहीं कैलकुलेट हो रहा ना, सिर्फ ये वाला एरिया हमारे पास आया है। एंड दिस इज सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, ये ऐसे है, ये पूरा कवर कर देगा, आपको अज्यूम करना है। तो अभी मैं क्या लिख रहा हूँ, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr², पाई की वैल्यू 22/7 है रेडियस। अगर डायमीटर साइड के इक्वल है तो रेडियस उसका हाफ हो जाएगा, साइड 7 है तो रेडियस हो जाएगा 7/2। मैं इधर यहां पर लिख भी देता हूं कि जो डायमीटर है वो साइड के इक्वल है, लोज इससे आपको याद रहेगा, और जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, लो इससे आपको क्लियर कट हो जाएगा और चेकर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 7 से 7 कट कर दो, 2 से 2 कट कर दो और ये 11 आ जाएगा। तो 11 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसको आप A1 मान लेते हैं, इसको आप A2 मान लेते हैं। तो अब आप कहोगे कि इनको प्लस कर देते हैं आ जाएगा, नहीं, जब मैंने ये हेमिस्फीयर यहाँ पे प्लेस किया, ये हेमिस्फीयर मैंने यहाँ पे प्लेस किया तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो हेमिस्फीयर का ये वाला पोर्शन है जो एक सर्कल है उसने इस क्यूब के इस वाले फेस का एरिया कवर कर लिया। तो मतलब क्या है, अब मेरे पास जो क्यूब आ रही है वो उसका जो पूरा ऊपर वाला फेस है उसका कुछ पार्ट इस हेमिस्फीयर ने कवर कर लिया है, और इसका मतलब क्या हो गया, इस पार्ट का एरिया मुझे माइनस करना है। अगर आप सपोज करें मैं आपको इसको पेंट करने के लिए बोलूँ तो अगर अभी ये अभी आपके पास ये चीज़ हो तो आप इसको पूरा पेंट कर दोगे, स्पेस को कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने ये हेमिस्फीयर कर दिया इसके ऊपर प्लेस, क्या आप इसके जो नीचे वाला एरिया है वो अब पेंट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो यानी कि वो वाला एरिया क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। तो हमें भी यहाँ पे वो वाला एरिया क्या करना है, माइनस करना है। तो ये एरिया है क्या, दिस इज अ सर्कल, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr² 22/7 और रेडियस वही रहेगा जो आपकी हेमिस्फीयर का था, दैट इज 7/2। इसको हम लोग A3 मान लेंगे, 7 से 7 कट गया तो ये आ जाएगा 77/2 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आ गया। अब मुझे निकालना है इस सॉलिड का, अब इस कंबाइन का प्रॉपर एरिया। तो मैं क्या लिखूंगा, सरफेस
एरिया ऑफ सॉलिड। तो करना क्या है, ए वन में ए टू ऐड कर दूंगा और ए थ्री उसमें से क्या कर दूंगा मैं माइनस कर दूंगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए वन, 294, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए टू, 77, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए थ्री, 38.5। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 332.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। और यही हम लोगों ने फाइंड आउट करना था और ये हमारा फाइंड आउट हो गया। थैंक यू।